ट्रैफिक पुलिस ब्रेक्स फेक हेलमेट वाला बचाने वाला हेलमेट। गुरुग्राम नाम के शहर में एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन था। एक दिन एक नया ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर वहां तबादले पर आया। उसका नाम था गिरिधर। वो बहुत ईमानदार अफसर था। वो जिस दिन ज्वाइन हुआ उसी दिन सारे फाइल्स की जांच करने लगा। सारे फाइल्स जांच करने के बाद कांस्टेबल से, क्यों भाई, इस शहर में इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? खास तौर पर टू व्हीलर्स के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सर पर चोट लगकर उनकी मृत्यु हुई है। क्या बात है, इस शहर में कोई हेलमेट नहीं पहनता है क्या? यहाँ सरकार इतने सारे पैसे खर्च करके प्रचार कर रहा है कि बिना हेलमेट पहने आप गाड़ी ना चलाएं, अपनी जान की रक्षा करें। हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए है, पर तुम लोग कर क्या रहे हो? तब कांस्टेबल, पर सर हम भी खूब प्रचार कर रहे हैं और ज्यादातर लोग हेलमेट पहनते भी हैं। जो हेलमेट नहीं पहनता हम उन पर फाइन भी डालते हैं सर, पर ना जाने क्यों फिर भी लोग मर रहे हैं। ये बात सुनकर गिरिधर सोच में पड़ गया। उसी शहर में गोयंका नाम का एक धनवान रहता था। उसका एक हेलमेट से भरा गोदाम था। वो हेलमेट बनाने वाले फैक्ट्री से हेलमेट लाता था और उन्हें लोकल दुकानों में सप्लाई करता था। जो भी उसके गोदाम के पास हेलमेट खरीदने आता तो उन्हें दो हेलमेट दिखाकर पूछता, अरे देखो भैया, ये दोनों हेलमेट में ISI का मार्क है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा तुम जरा बताओ। तब वो दुकानदार, असली इन दोनों में ये नहीं 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 ये सब पता नहीं चल रहा। तब गोयंका, देखा, इतने सालों से तुम हेलमेट बेच रहे हो फिर भी तुम असली और नकली में फर्क नहीं बता सकते। देखा, ये असली है, इसका दाम 1200 रुपए है और ये जो डुप्लीकेट है इसका सिर्फ 50 रुपए। तुम ये डुप्लीकेट हेलमेट खरीद लो और तुम जो दाम लगाना चाहो लगाकर उसे बेच दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, क्या कहते हो? तब वो आदमी, अरे वाह, ये तो एकदम ओरिजिनल दिखता है, मुझे यही हेलमेट चाहिए, मैं मार्केट में इसे 200 रुपए में बेचूंगा। कम दाम देखकर लोग ज्यादातर यही खरीदेंगे, अब किसे क्या फर्क पड़ता है कि ये असली है या नकली। कहकर वो नकली हेलमेट खरीद कर ले जाता। और लोग सस्ते हेलमेट खरीद कर उसे पहनकर गाड़ी चलाते। जैसे ही वो जमीन पर गिरते वो हेलमेट टूटता और उनका सर फटकर वो मर जाते। एक दिन गिरिधर अपने बाइक में शहर का चक्कर लगा रहा था। रास्ते में उसने एक चाय के दुकान के पास बाइक रोका और चाय पीने लगा। तभी एक युवक वहां पर बाइक में आया, बाइक रोककर चाय पीने के लिए बैठा लेकिन हेलमेट नहीं उतारा। तब गिरिधर, अरे भाई, तुम बड़े अच्छे नौजवान हो, बाइक से उतर गए हो लेकिन हेलमेट फिर भी पहना है। तब वो नौजवान, बिल्कुल सर, मैं सिर्फ बाइक चलाते समय ही नहीं बाइक से उतरने के बाद भी हेलमेट पहनता हूँ, मैं इतना सिंसियर हूँ सर। तभी ऊपर नारियल के पेड़ से एक नारियल टूट कर आकर उसके सर पर गिरा। बस उसका हेलमेट टूट गया और वो युवक, हाय रे, मेरा सर फट गया, मेरा सर फट गया, कहकर चिल्लाने लगा। तब गिरिधर ने पकड़कर उसे मारा और, क्यों रे सिंसियर फेलो, ये नकली हेलमेट तूने कहां से खरीदा और कितने में खरीदा? तब उस युवक ने कहां खरीदा ये बताया और कहने लगा, सर ये बहुत सस्ते दामों में मिलता है इसीलिए सर यही हेलमेट खरीदते हैं यहां पर। ऐसा कहा। अगले दिन से गिरिधर और दूसरे पुलिस वाले मिलकर सड़क पर आने जाने वाले सारे बाइकों को रोक कर सबका हेलमेट चेक करने लगे। गिरिधर ने एक हथौड़ा लिया और उस बाइक वाले के सर पर रखे हेलमेट पर जोर से हथौड़ा मारा। बस वो हेलमेट टूट गया। बाद में गिरिधर ने एक ओरिजिनल हेलमेट लिया और, देखो लोगों, ये है असली हेलमेट, अब आप खुद देख लीजिए इसकी ताकत कैसी है, कहकर उस असली हेलमेट से नकली हेलमेट को जोर से मारा। बस नकली हेलमेट एकदम टूट गया। ये देखकर लोग परेशान हो गए। तब गिरिधर लोगों से, देखा लोगों, नकली हेलमेट पहनने का नतीजा, पैसे बचाने के चक्कर में अपने जान को ही दांव में लगा देते हैं आप लोग। घर पर आपके परिवार के सदस्य हर रोज आपका इंतजार करते रहते हैं, कम से कम उनके लिए ही सही आप एक अच्छे असली हेलमेट खरीदो और पहनो। ऐसा कहा। बाद में पुलिस ने गोयंका के गोदाम में छापा मारा और उसे पकड़ लिया। इस तरह गोयंका जेल चला गया।